मुरादाबाद के गोगुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज द्वारा सुंदर घाट पर एक स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन कराया गया, जिसमें बस्ती में रहने वाले सभी लोगों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना की संयोजिकाओं का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है कि शिविर के माध्यम से सभी की सेवा की जाए। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम एवं द्वितीय इकाई द्वारा तीसरा एक दिवसीय शिविर मलिन बस्ती सुंदरघाट कानून गोयान में लगाया गया, जिसमें एक चिकित्सक पैनल को बुलाकर बस्ती वालों की बीमारियों का परीक्षण कराया गया, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर AQ अंसारी, फिजिशियन डॉक्टर अतुल तथा उनकी टीम अमित अंबेडकर, मोहम्मद इरशाद, सुनील कुमार के साथ उपस्थित रहे। विशेषता महिलाओं की जैसे कमर दर्द, सर दर्द, कमजोरी इत्यादि की दवाई का वितरण निःशुल्क किया गया। बच्चों में कान दर्द एवं आंखों की समस्या मुख्य रूप से पाई गई। आंखों का परीक्षण करके चश्मों का नंबर दिया एवं दवाई भी वितरित की गई। स्वयं सेविकाओं ने आने वाले मरीजों को व्यवस्थित करके दवाइयों का वितरण किया। ये गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है और उसमें जो है मेडिकल चेकअप किया जा रहा है यहाँ पर मलिन बस्ती सुंदर घाट में, और वहाँ पर जो है ENT सर्जन और ENT और विशेष रूप से जनरल डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं ताकि इनकी सेवाएं की जाएं, क्योंकि लोग जो हैं इतने यहाँ पर परेशान हैं। इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो है कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने स्वयं सेविकाओं के कार्य की सराहना की एवं बस्ती वालों को समय समय पर मेडिकल कैंप लगाने का वादा किया। NSS अधिकारी डॉक्टर प्रीति पांडे एवं डॉक्टर प्रेमलता कश्यप के दिशा निर्देशन में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंप का सफलतापूर्वक समापन हुआ। ये गोकुलदास महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाई कार्यरत हैं, तो त्रिवर्षीय ये कार्यक्रम होता है, नए नए अधिकारी चेंज होते रहते हैं। मैं डॉक्टर प्रेमलता कश्यप गोकुलदास महाविद्यालय से NSS अधिकारी। आज हमारा 16 तारीख को एक दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें पूरे साल में 4 एक दिवसीय शिविर और एक साप्ताहिक शिविर होता है। तो ये हमारा तीसरा एक दिवसीय शिविर है जिसमें हमने मेडिकल कैंप की व्यवस्था की है। यहाँ मलिन बस्ती जो आपका सुंदरघाट हाथी वाला मंदिर के पास है, तो यहाँ मोस्टली जो संख्या है गरीबों की है, तो उनके हित को देखते हुए हमने एक निःशुल्क दवाई दिलवाने का डॉक्टर्स की टीम को लेकर एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें एक ENT आँख नाक कान का डॉक्टर है, एक जनरल फिजिशियन जो हर एक मर्ज को देखता है, और एक गायनो लेडी डॉक्टर को हमने यहाँ बुलाया हुआ है, जिससे जो हमारी महिलाएं हैं अस्पताल तक नहीं जा पाती, डॉक्टर्स के पास तक नहीं जा पाती हैं, उनको पूरा लाभ मिल सके। और जो हम 7 दिवसीय शिविर यहाँ पर लगाएंगे उसमें भी हम अपनी दवाइयाँ निःशुल्क वितरित कराएंगे, और आपके आधार नंबर भी हम इनके बनवाएंगे। जो वृद्धा पेंशन हमारी चली हुई है, यहाँ की महिलाओं को यही नहीं पता है कि जो विधवाएं हैं और वृद्धाएं की, उनके लिए भी सरकार ने पेंशन का प्रबंध किया हुआ है। तो उसको हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मकसद राष्ट्रीय सेवा योजना जो कि एक सर्विस सोशल सर्विस की स्कीम है, तो उसके थ्रू हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मकसद ये है कि हम यहाँ की मलिन बस्ती में रहने वाले गरीब और जो बेचारे बाहर तक नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, उनको सब परिचित करा के उनको लाभ पहुंचा सके और सबकी एक सहायता करके हम यहाँ कुछ प्रोग्रेस कर सके। थैंक यू।